हाल है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिला श्रीनगर में जहाँ एक्टिव केसेस 781 हैं, वहीं एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट 98% के करीब पहुँच गया है। वहीं कल के दिन जो पॉजिटिविटी रेट है गुजरे कल के दिन वो 0.97% था, और ओवरऑल भी क्यूमुलेटिवली पॉजिटिव रेट अगर हम देखें इसमें रेड पॉजिटिविटी आरटीपीसीआर मिलाकर वो भी 1% के करीब है। इसके अलावा पिछले 3 दिन में तकरीबन 10 माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड की जो अभी की सूरत हाल है, जहाँ मेडिकल एक्सपर्ट्स थर्ड वेव की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वहीं हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ अगर हमें जो हमारी दिफा कर सकती है वो है वैक्सीनेशन। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर या हमारी जो डोर टू डोर टीम्स हैं उनके पास पहुंचकर आप टीका लगवाएं, और ये समझ लें कि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हैं थर्ड वेव से बचने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल को वैक्सीनेशन के साथ साथ जो कंप्लीट कोविड प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आने वाले दिनों में जब और मजीद अनलॉक किया जाएगा तो मिसाल के तौर पर श्राइन्स ओपन होगी, रिलीजियस प्लेसेस, या फिर उसके बाद पार्क्स, पब्लिक पार्क्स जो हैं जब वो ओपन किए जाएंगे तो शायद उसमें ऐसा हो कि वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिले, किसी तरीके से प्रायोरिटी उनको मिले। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूंगा एक बार फिर कि वैक्सीनेशन हर हालत में वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर और हमारे देश में भी ये समझा जा रहा है कि वैक्सीनेशन वाहिद जरिया है जिससे हम आइंदा आने वाले जो कोविड वेव्स हैं जिनके बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है उससे बच सकते हैं।